Alright, so hello everyone, this is Shubh. Welcome back to Shubh Vlogs. लेकिन आज हम इस मोटो व्लॉग सीरीज में बात करने वाले हैं सीट हाइट के ऊपर. बिकॉज आपके मन में एक सवाल आता होगा KTM लेनी है बट यार हाइट तो छोटी है, राइट? तो मेरी कितनी हाइट है वो भी मैं आपको बताऊंगा. आपको क्या इशू आने वाला है ट्रैफिक में हाइट को लेके, सिर्फ हाइट के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने फुल राइडिंग गियर्स पहने हुए, यानी मैं फुल्ली लोडेड हूँ. एंड अगर आप मेरे शूज की तरफ थोड़ा सा नजर डालेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये लगभग 1 इंच है ना. तो यहाँ पे 1 इंच की हील लगी हुई है. तो जितनी भी ये बात होने वाली है अभी, मैं राइडिंग गियर्स के बाद आप कितनी हाइट के साथ इसको कंफर्टेबली राइड कर पाओगे. तो मेरी हाइट है 5'7". तो चलिए बैठ के देखते हैं, ठीक है? ऑलराइट, ओके. नहीं, मैं गलत बैठ गया, ठीक है? ऐसे नहीं बैठना होता एडवेंचर बाइक में. एडवेंचर बाइक में बैठते शान से, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? तो चलो, ऑलराइट. तो अभी आप मेरे को देख रहे हैं, ठीक है? मेरे फ्लैट फुट नहीं है, ठीक है? ना मेरा ये वाला लेग फ्लैट है और ना मेरा ये वाला लेग फ्लैट है. मुझे थोड़ा सा इस गाड़ी को ना टिंट करना पड़ेगा ताकि मैं फ्लैट आ जाऊं, या फिर मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा, ठीक है? बट क्या इसमें इशू है? नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी लेग नीचे टच हो रहा है ना, तो आप इसको इजिली कंफर्टेबल के साथ राइड कर सकते हो. तो जैसे फ्लैट फुट नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे इस हिसाब से चलाना है, राइट? मैं अगर ट्रैफिक में भी फंसता हूँ तो मेरा एक लेग तो ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है ना? तो इससे तो मेरे गियर ही चेंज होते रहेंगे. तो ये मेरा फिर फ्लैट फुट है, ऑलराइट? अगर आप देखोगे तो ये मेरा बिल्कुल फ्लैट आ रहा है, बट गाड़ी आपको लगेगा देखो थोड़ा सा टिंट हो रहा है, या फिर मुझे थोड़ा सा ना इधर होके बैठना पड़ रहा है, क्योंकि यार देखो हाइट छोटी है, ठीक है? 850 mm की सीट हाइट है इसकी, एंड ये आपको लगेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी आने वाली है. रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि ये ना बहुत हैंडी बाइक है. सो अगर आपकी हाइट 5'7" के आसपास है और आप यू नो इसको 1-2 महीना, इसको स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इशू आएगा, बट उसके बाद जैसे मैं अभी कंफर्टेबल इसको राइड कर पाता हूँ, ठीक है? तो आप इसको कंफर्टेबली राइड कर पाओगे. सबसे अच्छी चीज क्यों? क्योंकि इसका हैंडलिंग बहुत अच्छा है. ऊपर से ये गाड़ी थोड़ा सा ना हल्की है. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बल्की महसूस होने वाली है, या फिर ऐसा लगेगा कि यार अगर ये थोड़ा सा भी जैसे टेढ़ा हो गया ना तो कि ये गिर जाएगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो आपको इश्यू आएगा वो सिर्फ ये आएगा, क्योंकि जब कभी ट्रैफिक में आप यू नो किसी पिलियन के साथ होते हो, ठीक है? तो आपको लगेगा यार पिलियन के साथ तो दोनों पैर नीचे करने पड़ते हैं. लेकिन सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है? जब इसके पीछे पिलियन आ जाता है ना, तो ये थोड़ी सी और ज्यादा नीचे चली जाती है, ठीक है? इसके सस्पेंशन ना थोड़े से और ज्यादा डाउन हो जाते हैं. तो अभी आप मुझे देख रहे हो मैं फ्लैट फुट नहीं हूँ, लेकिन अगर पिलियन आके बैठेगा तो मैं कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा और ज्यादा इतना फुट आ जाएगा मेरा, ठीक है? मैं इतना नीचे और हो जाऊंगा. क्यों? क्योंकि सस्पेंशन थोड़ा सा ना डाउन हो जाता है. तो ये सबसे अच्छा होता है अगर आप पिलियन के साथ चला रहे हो, और अगर पीछे सामान है, फुल्ली लोडेड है, क्योंकि एडवेंचर बाइक है, आप फुल्ली लोडेड ही जाओगे जहां पे भी जाओगे, तो फिर ज्यादा इशू नहीं आएगा. याद रखिएगा 5'7" है मेरी हाइट, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हाइट कभी भी ना ऐसे नहीं होता है. किसी किसी का ना ये चीज थोड़ा बड़ा होता है, किसी किसी का पैर थोड़े से लंबे होते हैं, ठीक है? अब मुझे नहीं पता मेरे पैर लंबे हैं या ऊपर वाली चीज थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप 5'7" हैं तो आप इजिली देखो ऐसे भी बैठ सकते हो, ठीक है? फ्लैट फुट आपको थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा, ठीक है? बट वो आप देख लीजिएगा कि आपके लेग कितने हैं, क्या है. लेकिन अगर आपकी हाइट 5'6" भी है तो भी आप इसको कंफर्टेबली राइड कर सकते हो. मैंने 5'2" 5'3" को भी देखा है एडवेंचर चलाते हुए. ये है रमेश, और रमेश की हाइट भी ना 5'7" है, और आप देखो रमेश की लेग अभी भी हवा में है, ठीक है? और अगर उधर वाला लेग देखेंगे तो बस हल्का सा टो टच हो रहा है, ठीक है? तो स्टिल मैंने आपको बुलाया था ना कि हाइट से कुछ नहीं होगा, बस आपको देखना पड़ेगा आपका लेग ज्यादा लंबा है या आपका अपर ज्यादा बड़ा है. क्योंकि आई थिंक रमेश का ना ऊपरी वाला ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा लंबा है और लेग छोटे हैं, या फिर ये झूठ बोल रहा है कि इसकी हाइट 5'7" है. बट देखो यार ये होता है, ठीक है? तो आप एक बार ना शोरूम में जाओ और टेस्ट करो कि यू नो आपको ये जमती है या नहीं जमती है. तो रमेश भाई आप लोगे? पक्की बात है. सो अगर आप एक्चुअल में यू नो एडवेंचर बाइक लेना चाहते हो और सिर्फ सीट हाइट का एक इशू है, तो 5'6" 5'7" अगर आपकी हाइट है तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में इशू लगेगा, बट एक बार अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो फिर तो यार ये एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर अगर आप यू नो एक बार बैठ गए, इसको चलाना शुरू कर दिया, फिर आप घर नहीं जाओगे. उसके बाद फिर आप यू नो घूमते रहोगे. गाड़ी बहुत ज्यादा बल्की नहीं है, बहुत ज्यादा हल्की नहीं है, ठीक है? लेकिन एक चीज है कि इसको स्लीपर्स में नहीं चलाना, क्योंकि देखो यार ये जो बाइक्स होती है ना ये स्लीपर्स में चलाने लायक होती नहीं. आप मिनिमम एक शूज तो पहनोगे, और आप कोई भी शूज पहनोगे 1/2 इंच 1 इंच उसकी हाइट होती है ना, तो इसलिए ज्यादा कुछ इशू होगा नहीं. और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ, अगर मैं चलो शूज भी नहीं पहनू ना, तो भी मैं अगर इसको स्लीपर में चलाऊ तो शायद मैं कभी चला ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एडवेंचर बाइक स्लीपर्स में चलाने लायक होती नहीं है. ये बाइक आपको शूज में ही चलानी है,
ठीक है। तो जितनी भी आपकी हाइट है, 5'6" है अगर, तो भी ज्यादा इशू नहीं होगा, और 5'6" के ऊपर है तब तो बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला है। बस एक चीज ये है कि आप इसमें कुछ यू नो एडजस्ट नहीं कर सकते, उसकी सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं होती क्योंकि ये एक्स मॉडल है, ठीक है। लेकिन स्टिल आप इसको कंफर्टेबली राइड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि यार सीट ज्यादा है तो यार सिटी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है सिटी वगैरह में भी, क्योंकि मैंने इसको अभी तक 3500 किलोमीटर राइड किया है, जिसमें मैं सिटीज में भी गया हूँ, माउंटेन्स में भी गया हूँ, एंड काफी हाई स्पीडिंग भी की है, काफी अच्छे खासे ट्रैफिक्स में भी मैं फंसा हूँ, ठीक है। तो एक चीज ये है कि अगर पिलियन साथ में है तो फिर कोई इशू नहीं होता, पता है, पूरा फ्लैट फुट आपका पड़ने लगेगा क्योंकि सामान होगा, पिलियन होगा। हाँ, अगर आप अकेले में हैं तो फिर हो सकता है कि आपको लगे कि यार यू नो थोड़ा सा हाइट का इशू आ रहा है, बट अगर आप शूज वगैरह पहनेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है। बाकी अगर आप देहरादून से हो तो भाई मुझसे मिलने आओ, ठीक है, और आप देखो इस पे बैठ के, इसको चला के देखो, अगर अच्छी लगे, चलाने में बढ़िया लगे तो फिर ठीक है। बाकी मैं पिछले लगभग, मैंने अक्टूबर में ये ली थी तो मुझे 5 महीने हो गए बाइक चलाते हुए एंड अभी तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाइट को लेके तो खैर कभी नहीं रहता है, बट जब मैंने पहली बार इसको देखा था ना, तो मेरे को देखो एक्चुअल बताऊं मैं, मुझे थोड़ी सी हैवी लगी थी और मुझे बड़ी लगी थी, बट वो होता है ना एक्सपीरियंस, एक बार आप इसको एक्सपीरियंस कर लोगे तो फिर बहुत ज्यादा आराम से आप इसको चला पाओगे, ऐसा कोई कोई टेंशन वाली फिर बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि भारी नहीं है ज्यादा, सबसे अच्छी चीज ये है, और जितनी ज्यादा लोडेड रहेगी उतनी जम के चलती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये रिव्यू बस इतना ही था। तो अगर आप देहरादून से हैं तो इसको आइए राइड करिए, ठीक है, साथ में राइड करेंगे फिर, और बाकी आप देख भी लीजिएगा बैठ के कि कैसी है, क्या है, एंड जो भी क्वेश्चन होगा फिर आप डेफिनेटली मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हाइट आपकी 5'5" 5'6" है कोई इशू नहीं है, 5'5" से नीचे है अगर तो फिर आपको थोड़ा सा यू नो हील पहनना पड़ेगा, क्योंकि फिर थोड़ा सा आपका हाइट का इशू रहेगा, बट अगर आपके अंदर पैशन है तो भाई क्या ही दिक्कत है फिर, है ना, क्योंकि पहले दिन मेरे को भी बहुत बड़ी लगी थी, अब मैं इसको आराम से चला सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, तो हाइट का इशू सॉल्व हो गया, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।